हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में शहनाज कौर गिल के पापा आए हैं। इंटरनेट पर और प्रोमो में इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे उन्होंने शहनाज को सिद्धार्थ से दूर रहने की हिदायत दी है, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने देसी पटाखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की हर खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। वेल गाइस, बिग बॉस के घर में शहनाज कौर गिल के पापा आए हैं क्योंकि फैमिली वीक है। और अब जो ये दो तीन दिन हफ्ते के बचे हैं, इसमें सभी घर वालों के फैमिली मेंबर्स आते हुए आपको नजर आने वाले हैं। असिम, पारस, सिद्धार्थ, रश्मि, इन सब के पेरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे गुरुवार के एपिसोड में। लेकिन वेडनेसडे के एपिसोड में जो सबसे धमाकेदार एंट्री हुई है वो है शहनाज कौर गिल के पापा। मिस्टर गिल ने क्या कहा सिद्धनाज के बारे में? वेल दोस्तों, लेट मी टेल यू कि प्रोमो में मिसलीड किया जा रहा है। उन्होंने सिद्धार्थ को गले लगाया है और सिद्धार्थ से कहा है कि थैंक यू मेरी बेटी को झेलने के लिए। शहनाज को कसम भी दी है कि तुझे कसम है तू रोएगी नहीं और अपने आप को मारेगी पीटेगी नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तू जिस तरह बोलती है हर्ट हो गई हर्ट हो गई, अब ये सब मत कर, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, तू बहुत अच्छे से खेल रही है। लेकिन सना, तेरा और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप जो है ना, उसे अभी उतना ही रहने दे। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि ये दोनों और ज्यादा अभी करीब आए घर के अंदर। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं शहनाज कौर गिल अगर सिद्धार्थ की बहुत ज्यादा फिजिकली क्लोज आएंगी तो उनकी इमेज डेंट हो सकती है और बींग अ फादर वो ये नहीं चाहते। और वही उन्होंने शहनाज को समझाया भी है, प्यार करते हो नो इश्यूज करो, अच्छा लड़का है, उनको एज गैप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, घर के बाहर आके इस रिलेशनशिप को एक स्टेप और फॉरवर्ड दो। अभी जैसे खेल रहे हो वैसे ही खेलो। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है? हाउ मच एक्साइटेड यू आर? और जिस तरह से प्रोमो में दिखाया जा रहा है, हम आपको बता दें आपको मिसलीड किया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन है, प्लीज डोंट गो ऑन दैट। क्योंकि हमारी शहनाज के पापा से फोन पे भी बात हुई है और उन्होंने इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि उन्हें सिद्धनाज बहुत पसंद है और वो खुद सिद्धनाज के फैन है। क्या आप भी सिद्धनाज के फैन हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने देसी पटाखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की हर खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइज़।